नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षरा सिंह के बारे में। अब दोस्तों, अक्षरा सिंह हाल फिलहाल हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे। भोजपुरिया दर्शकों और भोजपुरिया स्टार्स का फुल ऑन सपोर्ट मिला था अक्षरा सिंह को, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म को जीत नहीं पाई। जो जीती यानी कि दिव्या अग्रवाल, जो कि बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म का विनर घोषित की गई, उनके घर किस तरीके से अक्षरा सिंह पहुंची दोस्तों, और क्या कुछ हुआ दिव्या अग्रवाल के घर अक्षरा सिंह के पहुंचने के बाद, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी फटाफट दबा दे ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों देखिए ये वीडियो, जहां पर जब अक्षरा सिंह दिव्या अग्रवाल के घर पहुंची तो क्या कुछ हुआ। हाँ, ये इसमें डालने के लिए तो नहीं है। अक्षरा, कितना खाना मंगवाया तुमने? वाओ, ये तो बहुत कम है। ये डिजर्ट? ये डिजर्ट है। कैसा लगा तुम्हें? आपको पसंद आया ना? क्या ये? ये रबड़ी है, जैसे आपके लिए वो वाली रबड़ी आई है। ये होती है असल रबड़ी। हाँ, पर ये जो है ना, जो टंटे करते हैं कीटो जबरदस्ती का, तुम ही कर रही हो? हम ही कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। काम करने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है तो ये टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, प्लीज ना, प्लीज। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो और हमारा ये नया फॉर्मेट, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। साथ ही साथ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर लिखिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक IDs आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें भोजपुरी नाव।